दोस्तों, शॉर्टकट्स किसको पसंद नहीं है। आजकल सभी लोग शॉर्टकट्स पसंद करते हैं क्योंकि शॉर्टकट्स आपका टाइम बचाते हैं। इसलिए आज के हमारे वीडियो का भी टॉपिक है एक्सेल शॉर्टकट, जिसमें हम कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ शॉर्टकट्स सीखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिन शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकते हैं, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इवन एक्सेल पे भी। और कुछ शॉर्टकट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ एक्सेल पे यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कौन से शॉर्टकट्स हैं। दोस्तों, आपने हमारे इससे पहले के वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने एक्सेल के बेसिक्स और फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आपको शॉर्टकट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के वीडियो की, जो है एक्सेल शॉर्टकट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर। तो एक्सेल में शॉर्टकट्स हम यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सेल ओपन हो गया है। अगर आपने हमारा इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा हमने एक डेमो एक्सेल फाइल बनाई थी। तो मैंने ये वही फाइल ओपन करी है जिसमें मेरा डाटा कुछ 3 से 4 कॉलम में था, जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे के अकॉर्डिंग अपने डाटा को इंक्रीज किया है। तो कुछ शॉर्टकट्स जैसे जो सभी प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कंट्रोल एक्स, यानी कट। कट यानी कुछ चीज आपको पहली जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करनी होती है, तो कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए और कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ से इन नाम को कट करके, यानी कंट्रोल एक्स का यूज करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यानी कंट्रोल वी करूँगा। तो ये देखिए, यहाँ से ये नाम कट हो चुके हैं और यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये नाम यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी आ जाए, तो इसके लिए मेरे को ये कॉपी करना होगा। तो मैं इन नामों को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी को यूज करके, यानी कि कंट्रोल सी जो होता है वो कॉपी करने के लिए होता है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे पहले मैंने बताया कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए, तो ये कंट्रोल वी यानी पेस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये नाम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ चुके हैं, तो इसको बोलते हैं कॉपी। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का। कंट्रोल जेड क्या होता है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। कंट्रोल जेड होता है कोई आपने काम किया, एक स्टेप आगे बढ़ गए, लेकिन आप अब एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। जैसे मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका मतलब है आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, एक स्टेप आगे में आपने ये पेस्ट किया है, अब आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि आप ये पेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, यानी अंडू करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड का यूज करता हूँ, ये एक स्टेप पीछे चला जाता है और वो नाम वहीं पे आ जाएंगे। ये तो होता है कंट्रोल जेड यानी अंडू के लिए। उसी तरीके से होता है कंट्रोल वाई यानी रीडू, एक स्टेप आगे जाने के लिए। अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल वाई का यूज करना होगा। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल वाई यूज करता हूँ तो देखिए वो एक स्टेप आगे आके वो नाम दोबारा से यहाँ आ चुके हैं। तो ये होता है कंट्रोल वाई। मैं वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो ये तो गया कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एन। एक नई वर्कबुक आपके सामने आ जाती है कंट्रोल एन से, यानी कंट्रोल न्यू। मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए नई वर्कबुक यहाँ खुल गई है कुक टू के नाम से। तो ये वर्कबुक यहाँ पे आ चुकी है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए। फिर होता है कंट्रोल एफ, यानी कुछ चीज़ फाइंड आपको करनी है, कुछ चीज़ ढूंढनी है। जैसे आपका डाटा इससे भी बड़ा हो सकता है और उसमें आप कुछ ढूंढना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कंट्रोल फाइंड का यानी कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एफ आप जैसे प्रेस करते हैं तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस, ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा, तो जिसमें आपको जो चीज़ ढूंढनी है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ डालने वाला हूँ वीर, वीर मैंने डाला और मैं इसको फाइंड करता हूँ, तो देखिए ये
उस कॉलम को हाईलाइट करेगा। तो ये होता है कंट्रोल एफ, अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एच, यानी कि कंट्रोल एच जैसे मैं दबाता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा और आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, कुछ वैल्यू दी है, जैसे फाइंड वन, फाइंड मार्ट में मैंने लिखा वीर और रिप्लेस विद के साथ लिखा कंप्यूटर, यानी कि मैं वीर को कंप्यूटर से बदलना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ, इसने वो ढूंढ लिया है, अब वो रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो ये देखिए कंप्यूटर आ चुका है यहाँ पे, यानी इसने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये था कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए। उसके बाद अगला फुट है कंट्रोल ए, मतलब सब सेलेक्ट करने के लिए, ए मतलब ऑल। तो कंट्रोल ए जैसे मैं दबाता हूँ, ये देखिए मेरा जितना डाटा है वो सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं दूसरी बार कंट्रोल ए दबाता हूँ तो अब मेरी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये है कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए ऑल को। अब तक ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये हर प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, फोटोशॉप हो, एक्सेल हो। अब जो मैं शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक्सेल में काम करेंगे। इसमें सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल वन का। कंट्रोल वन आप दबाएंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है, जिसमें आप यहाँ से कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। कंट्रोल वन से डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल टू। कंट्रोल टू से बोल्ड होता है दोस्तों, देखिए आपको कंट्रोल बी पता होगा या किसी ने बताया होगा, तो कंट्रोल बी होता है बोल्ड के लिए, लेकिन कंट्रोल टू से भी बोल्ड होता है। कंट्रोल थ्री से आप इटैलिक कर पाएंगे, तो देखिए इटैलिक हो चुका है, तो कंट्रोल थ्री होता है इटैलिक के लिए, ठीक है। और उसके बाद है कंट्रोल फोर यानी अंडरलाइन। ये देखिए कंट्रोल फोर से अंडरलाइन हो चुका है। बेसिकली इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल यू होता है, लेकिन फोर भी आप यूज कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए। अब है कंट्रोल फाइव। कंट्रोल फाइव होता है स्ट्राइक थ्रो के लिए, यानी कि जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करके कंट्रोल फाइव करेंगे, यानी कि उन लिखे हुए सेल्स पे एक लाइन के द्वारा काट दिया जाएगा, ये होता है स्ट्राइक थ्रो कंट्रोल फाइव से। उसके बाद होता है कंट्रोल जीरो, यानी कोई भी कॉलम हाइड करने के लिए। जैसे मैं ये कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल जीरो यूज करता हूँ तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। कॉलम वही है, देखिए ए और सी कॉलम वही है, लेकिन वो हाइड हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ रो हाइड करनी होती है, जैसे ये दोनों रो मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो ये दोनों रो सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल नाइन यूज करूँगा। कंट्रोल नाइन से सारी जो रो मैंने सेलेक्ट की हैं वो हाइड हो जाएंगी। रो वही है लेकिन वो हाइड हो चुकी है, अभी हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। इसके आगे है शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस में दबाता हूँ तो ये देखिए जो रो है वो सेलेक्ट हो चुकी है, पूरी रो। उसके बाद होता है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से कॉलम सेलेक्ट होते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, इस सेल को एक्टिव किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो ये कॉलम बी कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो ये रॉ और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल आर और कंट्रोल डी। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे आते हैं, ये फॉर्मूला देखिए आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। इस फॉर्मूले को हम इधर भी लगाएंगे। एक मेथड है कि आप इस फॉर्मूले पे को एक्टिव करके यहाँ पे से इसको ड्रैग कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा तरीका है इसको फिल कर दीजिए राइट साइड में, यानी कि मैं यहाँ से इन सब सेलों को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल आर दबाता हूँ तो ये राइट में फॉर्मूला फिल हो गया। इसको बोलते हैं राइट फिल, यानी कंट्रोल आर। उसके बाद होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से होता है फिल डाउन, यानी ये जो फॉर्मूला ऊपर है वही सेम फॉर्मूला नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी जैसी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ऊपर का फॉर्मूला कॉपी होके नीचे आ गया है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल डी यानी फिल डाउन। उसके बाद कुछ और वैल्यूबल शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ शॉर्टकट्स है, जैसे एक है कंट्रोल अपोस्ट्रोफ, जिससे आप कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूला ऊपर वाले सेलों से। जैसे यहाँ पे
मैं ऊपर वाले सेल से फॉर्मूला कॉपी करना चाहता हूँ तो कंट्रोल अपोस्ट्रोफ वाला सिंबल मेरे को यूज करना होगा। ये देखिए फॉर्मूला कॉपी हो चुका है, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी हुआ है दोस्तों, बाकी कुछ भी वैल्यू कॉपी नहीं हुई है। और मैं ऊपर की वैल्यू अगर कॉपी करना चाहता हूँ तो मेरे को यूज करना होगा कंट्रोल डबल कोटेशन मार्क, कंट्रोल के साथ डबल कोटेशन मार्क में सब कॉपी करूंगा। तो ये देखें यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आया है, सिर्फ ऊपर की वैल्यू कॉपी हुई है। तो ये है कंट्रोल के साथ डबल कोटेशन मार्क। उसके साथ एक बार यूज करते हैं हम कंट्रोल बैक टिक। बैक टिक जो होता है दोस्तों वो एस्केप बटन के नीचे होता है, फंक्शन की होती है, उनके नीचे न्यूमेरिकल बटन्स होते हैं और न्यूमेरिकल बटन्स में जो न्यूमेरिकल वन होता है उससे पहले एक बटन होता है उसको हम बैक टिक बोलते हैं। तो कंट्रोल के साथ बैक टिक आप यूज करते हैं तो ये आपको फॉर्मूला डिस्प्ले देता है, यानी कि वो डिस्प्ले जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूले आपको दिखेंगे, तो ये होता है कंट्रोल के साथ बैक टिक यूज करने से। और मैं वापस कंट्रोल के साथ बैक टिक यूज करूँगा तो वापस से मेरे को वही फॉर्मेट दे देगा जो मेरा पहले था। लास्ट वैल्यू होती है कंट्रोल माइनस। जैसे मैंने ये जो वैल्यू मेरी आई है ये मैंने सेलेक्ट करी और मैं अब कंट्रोल के साथ माइनस दबाता हूँ तो पूछता है कि आप ये वैल्यू हटने के बाद कौन से कॉलम यहाँ पे आए हैं, लेफ्ट वाले की ऊपर वाले की नीचे वाले। तो मैं लेफ्ट वाले कॉलम ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ तो लेफ्ट वाले कॉलम इधर आ जाएंगे, ये वैल्यू हट चुकी है। तो ये होता है कंट्रोल माइनस। तो आज के वीडियो में हमने कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स के बारे में सीखा। एक बार रिकैप देख लेते हैं हम उन शॉर्टकट्स का। ये हैं वो सभी शॉर्टकट जो आप हर एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, और ये हैं वो शॉर्टकट्स जो आप सिर्फ एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।